ज्यादा खतरनाक एक्सपीरियंस है और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। Yeah, Muslim. Where are you from, sir? I'm from Kashmir. Oh, Kashmir. What's your name? This is octopus, right? Yes. Yeah. How many? It's three. Baby octopus, am I right? Baby octopus. Assalamu alaikum wa rahmatullah. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू फ्रेश व्लॉग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। आज ही हम एक नई डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, आज हम जा रहे हैं गिली आइलैंड। मैंने सुना है कि बहुत खूबसूरत जगह है और फोटोज पे भी देखा तो बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह है। तो हमें अभी कैब यहाँ से आएगी पिकअप करने के लिए, उसके बाद हम एक पोर्ट पे जाएंगे और वहां से हमें फेरी में जाना पड़ेगा गिली आइलैंड की तरफ। तैयारी सारी हो चुकी है, ब्रेकफास्ट यहीं पे करते हैं और कैब का वेट करते हैं और निकल जाते हैं यहाँ से। हॉस्टल बहुत ही जबरदस्त था, बहुत मजा आया यहाँ रहने में और बहुत सारे लोगों से मिले भी। हाय, गुड मॉर्निंग। तो जी अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, टिकट हमारे पास ऑलरेडी थी कल से ही, तो ब्रेकफास्ट करते हैं अभी। ओके, आई नीड वन इंस्टेंट कॉफी, नेस्कैफे, टोस्टेड ब्रेड विद टोमेटो, फ्राइड एग्स एंड चीज। ब्रेकफास्ट ऑर्डर हो गया है, अभी वेट करते हैं और फिर निकल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, सैंडविच विद एग और कॉफी। तो ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकल जाते हैं। तो जी ब्रेकफास्ट हो गया, अभी चलते हैं कैब की तरफ। ये आज हमारे कैब के ड्राइवर हैं। So let's go brother. What's your name? Noman. Assalamu alaikum. Bye bye. Hi, good morning. You're with us today? Yes. Okay, sure. Great. तो जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं समयुयान बीच, ऐसा कुछ नाम है यहाँ पे, पोर्ट है ये। अब यहाँ से ये नहीं पता कि हमें फेरी में जाना पड़ेगा या स्पीड बोट में जाना है, वो देखेंगे अभी। लेकिन यार बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ से हमें एक आइलैंड पे जाना है, गिलीज आइलैंड। तो जी यहाँ पे हमने रिटर्न टिकट भी शायद बुक की, रिटर्न टिकट भी हमारी हो गई है सेम उसी प्राइस में, लेकिन सेमिनी आगता का। तो यहाँ से हमने फ्रूट्स लिए हैं, कुछ मिक्स फ्रूट्स, नाइस नाइस। तो फ्रूट्स लिए हैं, ये खाते हैं और फिर चलते हैं। हमारे बोर्डिंग पासेस भी हमें जो है वो मिल गए हैं। अगर कश्मीरियों को पता चलेगा हम 7 लाख रुपए दे रहे हैं ना। आई एम नो अंडरस्टैंड चके तेरी समझ एम क्या हुआ। 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए। नाउ यू कैन गो टू वाइटिंग रूम, या नेक्स्ट टू टेंपल, देयर यू कैन वाइटिंग देयर। भाई साहब यहाँ गर्मी की इंतहा है, यहाँ गर्मी की इंतहा ही पार हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी यहाँ पे हमें वेट करना है वेटिंग हॉल में और फिर हमारी बोट जब रेडी होगी तब हमें बताया जाएगा। What? Beer? Yeah. No beer. No beer. Kashmiri. No beer. Do you have lassi? Yeah. Lassi. Yeah. Where is lassi? Give me lassi. No beer. No beer. No beer. Beer. Haram. No beer. See. Haram. Beer. This is good. This is good. Diet Coke. Diet Coke is fine. No beer. Beer. साकी भाई नगवे कर रहे हैं यहाँ पे। ये है जी हमारी बोट, स्पीड बोट, इसी में हम जाने वाले हैं। ये सारे बंदे इसी में फिट होने वाले हैं। 50% तो इसमें आते होंगे ना, आराम आराम से।
यहाँ पे सामान को हैंड ओवर करना पड़ता है, सामान एक वाले साइड में रखते हैं और फिर हमें बोट में बैठने के लिए वहाँ से जाना है। आ जाओ साकी भाई। तो जी बोट में हम बैठ गए हैं और गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत से भी बहुत ज़्यादा गर्मी, पसीने से हालत ख़राब हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 1.5 घंटा स्पीड बोट में ट्रैवल करने के बाद पहुंचे हैं जी गिली आइलैंड, और ये गिली टी है। तो यहाँ पहुंचे हैं, अभी होटल जाते हैं, रेस्ट करते हैं, नहाते हैं क्योंकि पानी से हालत ख़राब हो गई है, और फिर हम करेंगे जी एक्सप्लोर गिली को। तो जी ये है हमारा होटल, हम गिली आइलैंड पहुँच गए हैं, और आज हमने हॉस्टल नहीं होटल बुक किया है। ये है यहाँ का स्विमिंग पूल, ये रेंट कर सकते हैं साइकिल्स, और स्विमिंग पूल ये रहा, और ये है हमारा वाला रूम, ये है जी कपड़े हमने सुखाने के लिए रख दिए थे क्योंकि बहुत गीले हो गए। और ये है जी हमारा रूम, 2 बेडरूम, 2 बेडरूम है, यहाँ पे एसी लगा है, चार्जिंग पॉइंट्स हैं, बहुत खूबसूरत यहाँ सामान रखने के लिए जगह है, और यहाँ पे अलमीरा है, सेफ है, यहाँ पे हम चीज़ें रख सकते हैं, और वॉशरूम बहुत क्लीन है। तो चले साकी भाई, अभी हम खाना खाने जाते हैं, चलो फिर खाना खा के आते, बहुत भूख लगी है। तो जी गिली आइलैंड की सड़कों पे हम निकल गए हैं, और अभी लंच का टाइम है, और यहाँ सब हलाल मिलता है, यहाँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम्स की है, तो यहाँ हर जगह आपको हलाल फूड मिलेगा। ये देखो जैसे ये वाला है, ये भी हलाल रेस्टोरेंट है, हेल्दी खाते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ खाना खाते हैं, हेल्दी खाते हैं, नहीं वो तो सही है, खाना खाते हैं पहले, हेल्दी खाएंगे, हैं? लेकिन हेल्दी खाएंगे, खाना खाएंगे, मैं बोल रहा हूँ हेल्दी नहीं, हम खाना खाएंगे, क्या बोलते हो? हेल्दी खाएंगे।
तो जी यहाँ पे अभी हम आए हैं लोकल फूड ट्राई करने के लिए। यहाँ पे हम चिकन नूडल्स खाएंगे, लेकिन यहाँ ट्रेडिशनली बनता है इनके तरीके से। ये देखिए जी, नूडल्स रेडी है। तो चिकन बाउल इज रेडी। हमारे लिए चिकन नूडल्स और एग बाउल रेडी है, और ऊपर से कुछ क्रिस्पी डाला है पापड़ टाइप का। स्टार्ट करो जी, खा लो खाना। अल्हम्दुलिल्लाह लंच हो गया, और लंच हमने यहाँ के 5:30 बजे किया है, और इंडिया के हिसाब से जो है 3 बजना है। लंच में हमने लोकल फूड ट्राई किया है। अभी एक दो दिन हम यहीं पर रुकने वाले और बहुत सारी और चीज़ें जो है वो ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल हम वापस रूम पे चलते हैं और रेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं आज तो। अभी नमाज का टाइम हो रहा है, मग़रिब नमाज का टाइम हो रहा है, तो नमाज़ पढ़ के आते हैं। यहाँ गिली आइलैंड में सारी मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो आप नमाज ईज़िली मस्जिद में यहाँ पढ़ सकते हैं। तो भी चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। यहाँ पे वजू बनाने का एरिया है, और साथ में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जो है वहां पे है। पहले वजू बनाते हैं। वजू बना लिया है, अब जाते हैं जी नमाज पढ़ने के लिए। और आप देखो मस्जिद शरीफ कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये नमाज वाला एरिया है, और ये शायद दरसगाह वाला एरिया, क्योंकि हम बच्चे खेल रहे हैं। It's madrasa over here. Actually, they just reading Quran. Okay, okay. Reading Quran in the every day before Maghrib. 5 o'clock until 7 o'clock. 5 o'clock until 7 o'clock every day. Okay, okay. Assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikumsalam. MashaAllah, MashaAllah. तो यहाँ पे हर दिन ये कुरान पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, और इसके साथ में ही है मस्जिद शरीफ। ये देखो यहाँ मस्जिद में बच्चे कैसे खेलते हैं अच्छे तरीके से। ये देखो लेटे हुए हैं, शोर कर रहे हैं, इन सब लोग अपनी अपनी नमाज़ पढ़ रहे हैं, कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा। ये कल्चर बड़ा अच्छा है यार, ऐसे इसे बच्चे भी ना खुश होते हैं मस्जिद में आने के लिए। चलिए जी हम चलते हैं, हमारी नमाज हो गई है, अब चलते हैं वापस रूम पर। अभी हम आए यहाँ के लोकल फूड मार्केट में, सारा फूड हलाल मिलता है यहाँ पर। फिश, चिकन, स्क्विड, ऑक्टोपस, यहाँ से चिकन, चिकन बारबेक्यू एंड ऑल। यहाँ की फिशेस का डिफरेंट डिफरेंट कलर है। हेलो,
Assalamu alaikum. How are you? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. How are you? That's for dead. Assalamu alaikum. Yeah, I'm Muslim. Where are you from? I'm from Kashmir. Oh, Kashmir. What's your name? Idris. Idris. Nice to meet you, man. Nice to meet you, man. You have like the Barakura. Even he don't know what is he is asking him. This one is chicken. Okay. Chicken curry, chicken sauce, tomato, and blue marlin, red snapper fish, squid. Up there is octopus and prawn and a vegetarian. This is octopus, right? Yes. Yeah. How many? It's three. Baby octopus, am I right? Baby octopus. YouTuber. Yes, sir. How are you, sir? And tofu. What is this? Tofu. No. Local food, coconut is vegetable. No. Cucumber is coconut. Done. आज का हमारा डिनर आ गया है. राइस, ये है फिश और ये है चिकन बारबेक्यू. और ये फिश जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है. इस फिश का नाम है ब्लू मार्लिन और ये टेस्ट में भी थोड़ा डिफरेंट है. मतलब टेस्ट में क्या बोलूँ, मुझे इसका टेस्ट ही समझ नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है, अच्छा टेस्ट है. बेस्ट भी नहीं है, अच्छा है. तो जी डिनर के बाद हम ट्राई करने वाले हैं ड्रैगन फ्रूट फ्रेश जूस. यहीं पे फ्रेश बनाया जाता है और मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया, तो आज ट्राई करेंगे. इस व्लॉग को भी यहीं पे खत्म करते हैं. आई होप आपको किसी भी रीजन से आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं. आज के व्लॉग में बस इतना ही. अल्लाह हाफिज. आज का व्लॉग जो है ये मैं दूसरे दिन में एंड कर रहा हूँ. आई होप आपको पसंद आया हो. आज का व्लॉग थोड़ा लंबा था लेकिन अच्छा लगा होगा आपको.